एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, लेकिन इस बार बगल में कोई छोरा नहीं बल्कि तेंदुआ था जिसे वन विभाग पूरे शहर में ढूंढ रहा था। और आज पिछले 5 दिनों से जारी सर्चिंग अभियान के बाद तेंदुआ अचानक से वन विभाग दफ्तर के परिसर में मिला, जिसे कई दिनों से वन विभाग जू परिसर में ढोल ताशों के साथ ढूंढ रहा था। पूरा मामला 1 दिसंबर की रात का है, जब रानपुर के नेपानगर से वन विभाग की टीम एक घायल तेंदुए को इलाज के लिए इंदौर के जू लेकर पहुंची थी, लेकिन रात काफी हो जाने और पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने के कारण जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने इस तेंदुए की कस्टडी लेने के लिए मना करते हुए इसे सुबह लाने की बात कही। लेकिन वन विभाग के कहने पर जू प्रभारी ने एक रात जू में ही बिताने की अनुमति दे दी थी, लेकिन जब 2 दिसंबर की सुबह जू प्रभारी वन विभाग की टीम के साथ तेंदुए की कस्टडी लेने पहुंचे तो उन्हें पिंजरा तो मिला, लेकिन उस पिंजरे में तेंदुआ नहीं मिला, जिसके बाद वन विभाग और जू प्रभारी के पसीने छूट गए। आखिर तेंदुआ गया तो गया कहाँ? गायब होने की जानकारी लगते हुए वन विभाग और जू प्रशासन हरकत में आया और जू परिसर में तेंदुए की तलाश शुरू कर दी गई। वहीं सुरक्षा की दृष्टि में तत्काल खाली करवाकर जू को बंद कर दिया गया, जिसमें ढोल ताशों के साथ ही तमाम उपाय इस तेंदुए को पकड़ने के लिए किए गए, लेकिन 5 दिन और 5 रातों की मशक्कत के बाद भी तेंदुआ जू में नहीं मिला। वहीं आज अचानक भगवान की कृपा वन विभाग पर हुई और उसके कर्मचारियों को अपने ही दफ्तर के पास ये तेंदुआ दिखा, जिसके बाद उसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और फिर विभाग के अधिकारी जू की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और उस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करने लगे। 1.5 घंटे की कोशिश और कई उपकरणों की सहायता से आखिरकार दोनों विभाग के संयुक्त ऑपरेशन चलाकर उस तेंदुए को जाल की सहायता से पकड़ा, जिसके बाद उसे इंजेक्शन की सहायता से काबू में लाया गया और जू की टीम इस तेंदुए को लेकर वन विभाग में रवाना हो गई, जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जू से एकाएक गायब हुआ तेंदुआ आखिरकार करीब 2 किलोमीटर दूर वन विभाग कैसे बिना किसी को दिखे पहुंच गया, और गया तो अंत में वन विभाग ही क्यों गया? सर, कई दिनों से प्रयास जारी था, बुरहानपुर का जो तेंदुआ है वो इंदौर में लाया गया था, उसके बाद से ही ये लापता था। आखिरकार किस तरह की सूचनाएं मिली थी और कैसे इसको कैप्चर किया गया? देखिए, आज ही हम लोगों के 5 दिन का जो सर्चिंग अभियान चल रहा था जू के अंदर, और इतना इंटेंसिव अभियान चल रहा था और ये कारण था कि वहाँ पर नहीं मिला वो, क्योंकि हर चप्पे चप्पे को CCTV कैमरा से सारे मॉनिटर कर रहे थे। आसपास के एरिया भी हम लोगों ने कल सर्च कर लिया था, जू से बाहर भी हम लोग कल केस से निकले थे कि कहीं जू के बाहर हो तो नोटिस में आए तो हम लोग वहाँ उसको ट्रैप करें। लेकिन फॉर्चुनेट पार्ट ये रहा उसका ऑपरेशन का कि आज 6वें दिन नवरत्न बाग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंपस है, इसी कैंपस में वो मिला। जैसे DFO साहब ने सूचना दी, मैंने तुरंत अपने अमले के साथ पूरी टीम के साथ लेके यहाँ पे आया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ हम लोगों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसको, चूँकि उसकी कंडीशन देख ली थी हमने कि बहुत कमज़ोर और वीक था, तो उसको केमिकल इमोबलेशन की वजह हम लोगों ने उसको फिजिकल स्ट्रेनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि कंडीशन उसकी ज़्यादा ड्यूटोरेट हो चुकी थी, कमज़ोर बहुत ज़्यादा था, और इसीलिए हम लोग उसको फिजिकल जाल में डाल के, और चूँकि बहुत छोटा बच्चा है वो, और फिजिकल उसको रेस्ट्रेनिंग किया। रेस्ट्रेनिंग करने के बाद हल्का सा लाइट उसको मैंने सेडेट किया ताकि और ज़्यादा रेस्ट एफर्ट्स ना करे बाहर निकलने में, अपने आप को इंजोर्ड ना कर पाए इसलिए, और सेफली अभी उसको ट्रांसपोर्ट केज में डाल दिया और अब उसको आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंपा है। सर, जू और जो वन विभाग का जो ऑफिस है इसमें लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, तो आखिरकार इतनी दूरी पर कैसे आया? और ये भी कहीं ना कहीं संदेश पर चीज़ है कि वन विभाग की जो टीम थी वो जू में ढूंढ रही थी लेकिन तेंदुआ वन विभाग में मिला। देखिए, अब ये सारी चीज़ें इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि लेपर्ड का मूवमेंट वैसे ही बहुत तेज़ होता है और इस लेपर्ड का चूँकि जिस कंडीशन में अभी उसको हम लोगों ने कैप्चर किया वहाँ पर स्पष्ट उसका मूवमेंट नहीं दिख रहा था, वो मूवमेंट देखने के बाद ही पता कर पाएगा कि ये कितना मूव कर सकता है और कहाँ तक जा सकता है। चार दिन से सर जद्दोजहद जारी थी, तेंदुए को कैप्चर करने का प्रयास जारी था, आखिरकार सफलता मिली है, किस तरीके से यहाँ पर सूचना मिली थी, किसके द्वारा सूचना दी गई थी? पूरा शहरी क्षेत्र में सभी को सूचना दिए गए थे, जैसे कि चाहे मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, सबको पता था कि यहाँ पर तेंदुआ जो है वो शहरी क्षेत्र में विचरण कर रहा है। विगत 2 दिन के रात का जो समय था उसमें भी रेसिडेंसी एरिया में देखने को मिला था, तो इसलिए कल भी हमारी टीम रेसिडेंसी एरिया में सर्च किए थे। और क्योंकि ये धीरे धीरे, क्योंकि 2 तारीख का ऑपरेशन है, 2 तारीख से आज 7 तारीख, लगभग 6 दिन हो गया है, तो ये भी अपने आप को धीरे धीरे कमज़ोर महसूस कर रहा है,
तो बाहर क्योंकि खुले में नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए उसका हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। परंतु कल जो लग रहा है कि कल कुत्तों का जो संकेत था, रात को हम लोग रात को भी गए देखे, नहीं मिला ऐसा कुछ। लेकिन इस रेसिडेंसी एरिया में धीरे 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 रात के समय में एक सुरक्षित जगह जैसे कि नवरत्न बाग में एंटर करने के लिए प्रयास किया, तब तक हम लोग क्योंकि ऑफिस आ गए थे, स्टाफ भी सभी थे, तो वो साइड हो गया आसानी से कि हम तेंदुआ को, हम प्रत्यक्ष रूप से तेंदुआ को देख लिए। जैसे कि देख लिए, फिर जितने भी हमारे जो टीम है उन सबको तुरंत बुलाया गया और उसको फिर हम पकड़ लिए। हाँ सर, किसी तरीके की कोई घटना इसके द्वारा की गई हो, किसी तरह का शिकार किया गया हो जानवरों की, या किसी तरह की कोई स्पॉट हुआ? ये जनरली 12 से 15 दिन तक भी भूखे रह जाते हैं, जरूर इनका जो मांसपेशी वगैरह कमजोर हो जाते हैं लेकिन भूखे रह जाते हैं, जान के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है। और अभी फिलहाल जैसे कि कोई जगह से हमें किसी को मारने या तो किसी को खरोच या तो घटना में कोई सूचना नहीं थी, यदि ऐसा सूचना होता तो हम तो इससे पहले भी कार्रवाई कर सकते थे। और जैसे कि हमने उस दिन भी आपको बोला था कि ये क्योंकि बच्चा है तो बहुत आदमियों के लिए वो खतरा नहीं है, बट ये कम से कम ये जो ऑपरेशन है ये सफल इस दृष्टि से कि कम से कम हम उसके ऊपर निगरानी बनाए रखें, कभी भी बिल्कुल लगातार पिछले जो 6 दिन से हम उसके ऊपर निगरानी बनाए रखें और आज इस ऑपरेशन को हम कर पाए। आपका पूरा परिचय? मैं मोहनता, HS मोहनता, मुख्य वन संरक्षक इंदौर। अरे हमने सहता है यार, वाह 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 वाह।